हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल आरबीआई की तरफ से शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है येस बैंक के रिगार्डिंग, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैं आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी बताऊंगा, जो कि जैसा कि आपको पता ही है कि लगभग निफ्टी 50 के सभी अच्छे स्टॉक बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं अब इस तेज़ी में। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस तेज़ी में इस स्टॉक ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है जितना कि बाकी स्टॉक कर चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ येस बैंक का करंट सिनेरियो, मतलब पिछली क्लोजिंग में इसका केस क्या रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जो इसकी प्राइस रही थी पिछली क्लोजिंग में, वो थी 15.35 रुपये, और ये हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही बंद हुआ था। लेकिन इसमें अच्छी खासी फ्लक्चुएशन थी पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी। एक टाइम पे इसका जो लो बन गया था 15.05 रुपये का, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट पहुँच गई थी, लेकिन मार्केट के क्लोज होते होते इसमें लगभग 0.65% की क्लोजिंग के साथ ये स्टॉक बंद हो गया। और कल का तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में आग लगी हुई, निफ्टी और बैंक निफ्टी में गजब की तेजी देखने को मिली और ज्यादातर स्टॉक हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन येस बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट ही कल देखने को मिली, इसलिए लोग थोड़े से घबरा रहे थे। लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में क्लियरली बताया था कि ज़्यादा टेंशन जैसी लेने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सब कुछ ठीक है, वो हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसके रिटर्न जो पिछले कुछ दिनों में रहे वो ठीक ठाक रहे हैं, और उसी की वजह से इसमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। आपके सामने इसके रिटर्न है, आप देख पा रहे होंगे एक महीने में लगभग 25% से भी ज़्यादा के रिटर्न इसने दे दिए हैं, और वही वजह है कि लोग हल्की फुल्की इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि कल कारोबार किस तरीके से हुआ। आपके सामने NSE का डेटा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग 7.5 करोड़ के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई है, और लगभग 15 करोड़ के आसपास की इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। लगभग 48% की डिलीवरी थी, जो कि हम उसे बहुत अच्छा ही मान सकते हैं। 48% की डिलीवरी मतलब लोगों ने हल्की फुल्की गिरावट में भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। वहीं BSE में भी लगभग 42% से ज़्यादा की इसमें डिलीवरी उठाई गई है, और जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था वो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास ट्रेड हुआ था। तो BSE में भी आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी डिलीवरी रही है। अगर हम बात करें वॉल्यूम टॉपर की, तो उसमें भी दूसरे नंबर पे आता है येस बैंक। पहले नंबर पे वोडाफोन आइडिया था जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, उसके बाद नंबर था येस बैंक का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड होता है, और थोड़ी बहुत ही कल गिरावट थी, नहीं तो हर रोज़ ही ये स्टॉक में अपर साइड मूव देखने को मिल रही थी और ऊपर की तरफ ही ये स्टॉक रोज़ बंद हो रहा था। तो इसमें मैंने आपको क्लियरली कल बताया था कि कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है, स्टॉक में सब कुछ अच्छे से चल, और वही कुछ का है गवर्नर ने। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कल जो गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा है कि येस बैंक को बचाने के लिए जो उन्होंने डिसीजन लिए थे, SBI को जो जिम्मा सौंपा था येस बैंक को बचाने के लिए, उनके हिसाब से वो सब डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सही साबित हुए हैं, और येस बैंक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। मतलब उनके हिसाब से येस बैंक में जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनके हिसाब से येस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को रेस्क्यू करने के लिए जो उनके कदम उठाए गए थे, वो सभी कुछ सही साबित हुए हैं, और ओवर द टाइम इनका रिजल्ट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग ही गया है कि गवर्नर के हिसाब से भी येस बैंक ग्रोथ पे देखने को मिल रही है, और जैसा कि आपको पता ही लक्ष्मी विलास बैंक में भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, और बैंक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस कर रही थी, और बैंक के इन्वेस्टर और इसके कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। लगभग येस बैंक जैसा ही हाल हो चुका था इसका भी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नर के अच्छे खासे स्टेप्स के वजह से ये दोनों बैंक अभी ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सही सब कुछ हो गया है इसमें, लेकिन हाँ, डरने जैसी बात थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। गवर्नर ने कल कहा था कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में ही लिए थे, मतलब उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, इसी तरीके से कुछ लिए गए थे, और वो सभी डिसीजन बहुत अच्छे खासे साबित हो रहे हैं। और दोस्तों, ये बात तो रही गवर्नर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको मैंने एक न्यूज़ और बताई थी कल
कि ईडी ने कॉक्स एंड किंग के जो प्रमोटर्स हैं मिस्टर अजीत अजय पीटर केलकर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है और उनके अलावा 12 लोगों का भी नाम है इस चार्जशीट में। जैसा कि आपको पता ही है इन लोगों ने राणा कपूर के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया था यस बैंक में और उसी का नतीजा है कि यस बैंक की हालत ऐसी हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट और ईडी इसको बिल्कुल ही सीरियसली ले रही है और बहुत ही ज़्यादा सख्त कार्रवाई चल रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्लियरली समझ में आता है कि यस बैंक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा गेम हो सकता है। मतलब अगर हम यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में, और ये मैं आपको लगभग रोज ही बताता हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये सब बात रही यस बैंक के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत ही शानदार एक स्टॉक के बारे में। उस स्टॉक का नाम है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। आपको इसका प्राइस करेंटली देखने को मिला है लगभग 1150 रुपये के आसपास और ये लगभग 2% की तेजी के साथ बंद हुआ था पिछली क्लोजिंग में। अगर बात करें इसकी की मैट्रिसेस की तो इसका जो पी रेशियो है वो लगभग 16-17 टाइम्स के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि इसका सेक्टर का जो पी है वो लगभग 33 टाइम्स देखने को मिल रहा है। मतलब अपने सेक्टर के हिसाब से काफ़ी सस्ते में अभी अवेलेबल है और लगभग 94% एनालिस्ट का कहना है कि इस स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। वहीं अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख ही रहे कितना शानदार देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो है क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है ITC की तरह, इसलिए इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जीरो है, ये DII मैनेज कंपनी है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड DII और FIIs की होल्डिंग बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इससे हमें क्लियरली पता लगता है बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद कंपनी है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो पिछले एक साल में तो 10% माइनस के रिटर्न है, लेकिन बाकी आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। फिर भी इस स्टॉक ने अभी उतना रिटर्न नहीं दिया जितना कि बाकी के और ज्यादा स्टॉक चढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये स्टॉक लेकर आया हूं क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। मार्केट भले ही बहुत ज्यादा हाई पहुंच गया है लेकिन यह स्टॉक अभी भी मुझे अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें आपको लॉन्ग टर्म की बेट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको ये स्टॉक को ज़रूर अपने नज़र में रखना चाहिए। मैं आपसे ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ कि आप जाते ही इसमें पैसा लगा दें, ऐसा नहीं है। आप अपनी एक बार स्टडी ज़रूर कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर ही कंसल्ट कर लें, लेकिन मेरे नज़र में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा दिखाई दे रहा है इस वैल्यूएशन पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।